गाइस, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू निशा की दुनिया। कैसे हो आप सब? और यस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करें हम लोग यहीं से। मॉर्निंग 11 इन दुबई। तो अभी सबसे पहले मुझे चॉप करने कोरिएंडर और मिंट, जो कि मैं लेकर आई थी फ्रेश लुलू से। उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद बाकी के घर के काम, कपड़े धोए थे, कपड़े सुखाने हैं। और फिर उसके बाद मैं लुलू से क्या लेकर आई थी वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और लाइक मैं बेडशीट्स लेकर आई थी और वानी के लिए बैग, क्योंकि वानी अभी बहुत जल्द स्कूल जाने वाली है। और ये सब कुछ तो बने रहेगा मेरे इस व्लॉग में। आज पूरे दिन क्या करते हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गो। यहाँ मेरा गर्मा गर्म सा पोहा बन के है रेडी, एकदम बढ़िया। अब हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट पहले, फिर लगेंगे अपने दूसरे कामों में। तो ये दो बंच में लेकर आई थी कोरिएंडर के, इन्हें फटाफट में चॉप कर लेती हूँ। चॉप करके, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इजी रहता है गाइस की, मुझे चॉप किया हुआ मिल जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। फिर बाद में जब लीफ यूज हो जाती है सारे, तो फिर जो डंडियाँ बचती है, आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ, एक एक लीफ सॉर्ट आउट क्यों नहीं करती हूँ। तो जो भी फिर जो डंडियाँ बच जाती है ना एट द एंड, मैं उनकी ग्रीन चटनी बना लेती हूँ या फिर ग्रेवी के लिए जो भी तैयारियाँ करनी होती है वो सब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट कर देंगे चॉप, और नीचे का थोड़ा मोटा मोटा भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज ये बाद में चटनी में ही यूज होने वाला है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मोटा मोटा दंडी वाला है ना, मैं इससे पहले नीचे डाल देती हूँ ताकि ये बाद में यूज। अब ये लीफ हम लोग कट करेंगे एकदम बारीक बारीक। मेरा पूरी लकड़ा बैठी, उसके बाद अभी मैं कर लूंगी फटाफट से मिंट। मिंट की भी मैं ऐसे ही लीफ कट करती हूँ, बिकॉज ये मुझे लीफ कट नहीं करूंगी मैं, सिर्फ इसका नीचे का पोर्शन कट करके डाल देती हूँ और इसको मैं एक डब्बे में स्टोरेज करके रख दूंगी, ताकि जब भी मैं लेमन मिंट टी बनाऊँ तो लेमन मिंट टी में कोई जरूरी नहीं कि आपको पत्तियां ही चाहिए, ये सब कुछ इन सबका तत्व उसमें मिल जाता है, तो और क्या चाहिए आपको। मैं किसी दिन आपसे शेयर करूंगी कि मैं लेमन मिंट टी कैसे बनाती हूँ घर में। बस यहाँ हो गया मेरा मीट और वो कोरिएंडर, दोनों को रख देते हैं फ्रिज में और सबसे पहले कपड़े सुखा देते, नहीं अदरवाइज धूप जो है ना, सुबह सुबह की जो धूप लग जाए कपड़ों को तो ज्यादा बेटर है। ये देखो वानी अपने बेबी को वॉकिंग करना सिखा रही है ना, वानी अपने बेबी को वॉक करना सिखा रही है। देख सकते हो मेरी मशीन हो गई है, कपड़े धुल गए हैं फटाफट। यहाँ पे मेरी एक साइड में आलू की सब्जी बनके है रेडी, यहाँ पे मेरा पैन हो रहा है गरम, ये है मेरा डोसा बैटर। तब हम लोग बनाएंगे बढ़िया से डोसे और फिर बच्चों को सर्व करेंगे, फिर हम लोग खाएंगे। तो आप देख सकते हो ये सब्जी, ये कुछ इस टाइप से बन गए हैं मेरे गर्मा गर्म डोसे। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी और एकदम यम लग रहा है। चलो रिदु को देते हैं हम लोग।
कैसा लगा डोसा? यम्मी? मैं अपना खाना खा लेती हूँ जिसमें डोसा, सब्जी और चटनी। तो यहाँ पे गाइज इवनिंग का टाइम था, काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने अपना स्किन केयर नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं नेस्ट्रो से लेकर आई थी अर्जेंट फेशियल, क्योंकि मुझसे बाकी के तो भाई होते नहीं इतने ज़्यादा, तो इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि बहुत ज़्यादा मैं अपने स्किन को और ये सब चीज़ों को पैम्पर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं अर्जेंट फेशियल ले थी, तो कभी कहीं जाना होता है तो मैं अर्जेंटली से लगा कर फटाफट से वॉश करके रेडी। सो हेलो पीपल्स, इट्स 6 इन द इवनिंग दुबई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लुलू हाइपर मार्केट, तो वहाँ से हमें लानी है कुछ चीज़, लाइक मुझे बेडिंग की कुछ चीज़ लानी थी, लाइक पिलो कवर, बेड शीट्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम लोग स्टार्ट हो चुका है, कल देखते कहीं जाएंगे, कहीं जाने का कुछ सीन होता है तो तब तक के चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ लुलू हाइपर मार्केट, और वहाँ पर कैसा है सिस्टम, क्या है, क्या क्या मिलता है, सब कुछ ही मिलता है वैसे तो, और क्या हमें पसंद आता है इसको। तो यस, वी आर ऑन आवर वे, और यहाँ पे रिदम आने की चल रही है अपनी अलग ही मस्ती, और ये हमेशा पीछे बैठकर ऐसे ही मस्ती करते हैं, मस्ती कम फाइट ज़्यादा करते हैं हर चीज़ को लेकर। और यहाँ पे हम सिग्नल पे रुक गए थे, यहाँ पे ग्रीन लाइट लगने के बाद हम लोग स्टार्ट हुए। तो आप देख सकते हो दुबई में कुछ इस तरीके से डिसिप्लिन वे में कार ड्राइव करनी पड़ती है, ऐसे कहीं भी किधर भी चला दिए ऐसे नहीं होता है, वरना अच्छा खासा फाइन कट होता है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे लुलू। तो लुलू में जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं ना, तो अच्छे अच्छे ऑफर्स लगे हुए हैं और सब कुछ, तो हम लोग चेक कर रहे थे कपड़े वगैरह ये सब कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे हमारी हो गई थी सारी, ऊपर के सेक्शन से हमने अलग अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी, नीचे से सारे फ्रूट्स वेजिटेबल ले लिए थे, और यहाँ पे वानी ऐसे बैठती है हमेशा कार्ट में से बिठा। तो यस गाइस, यहाँ पे हमारी शॉपिंग हुई खत्म, हम लोग हम चलते हैं घर की, और हमने लिया है कुछ घर का सामान, वानी के स्कूल का बैग अभी, क्योंकि वानी बहुत जल्द स्कूल जाने वाली है, और छोटी बैग, और बस अभी चलते हैं घर की, और घर पे जाके बनाएंगे डिनर और करेंगे डिनर, अभी 8:30 हो गया है। तो यहाँ पे ये हमने लिया था वानी के लिए बैग, क्योंकि वानी कई दिनों से ऐसे बैग की जिद कर रही थी कि मम्मा मैं स्कूल जाऊंगी तो मुझे पिंक कलर का बैग चाहिए, और लकीली लुलू में एंटर करते ही हमें पिंक कलर का बैग मिल गया था ऐसा। तो यस गाइस, यहाँ पे हम लोग चल दिए थे घर की, और ये हो गया था नाइट तकरीबन 8:30 अराउंड, और काफ़ी लेट हो गया था, और घर जाके मुझे डिनर भी बनाना था। फिर यहाँ से हम लोग आ गए, और घर आके डिनर में मैंने बनाए थे ग्रीन स्पिनच राइस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं लुलू से बेड शीट्स लेकर आई थी, तो मैं ये बेड शीट लेकर आई हूँ, ये वाला जिसका प्रिंट कुछ ऐसा दिखेगा बेड पर डालने के बाद इस काइंड का, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड ब्लू इज माय ऑल टाइम फेवरेट कलर, ब्लू एंड ब्लैक इज माय ऑल टाइम फेवरेट। नेक्स्ट ये लेकर आई थी, ये सेम ऐसा दिखेगा बट उसका कलर इस ये है, कॉफी कलर है, और दिस वन। तो इस टाइप की मैं 3 बेडशीट्स लेकर आई हूँ लुलू से, तो आपके साथ मैंने शेयर किया है। कुछ इस तरीके से स्पेंड किया था मैंने अपना आज का दिन। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय भोलेनाथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।